सलाम वालेकुम, वेलकम टू साजिया किचन ब्लॉग। आज हम बनाएंगे कद्दू की तड़के वाली सब्जी एकदम नए तरीके से, जो बहुत ही टेस्टी है। अगर आप रोज कद्दू की सब्जी बना के बोर हो गए हैं तो ये नए तरीके से बनाइए और पेट भर के खाइए, जो बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको भी बनाना है तो मेरा पूरा वीडियो जरूर देखना। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू को छील के बीच से उसे आधा आधा कट कर लिया है और कद्दू को हम ऐसे ही बड़े साइज में रहने देंगे। अब इसे हम नहीं काटेंगे, इतने बड़े साइज में ही हम इसे कुकर में उबालेंगे एक सीटी लगा के। सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे, उसमें हम सभी आलू को डाल देंगे। अब हम उसमें जो बड़े साइज के कद्दू को काट के रखा है वही कद्दू को हम कुकर में डाल देंगे। ऐसे भी ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा कप पानी और इसका ढक्कन लगा देंगे। इसे हम एक सीटी तक आने तक उबाल लेंगे। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में मैंने लिया है ये कस्तूरी मेथी और ये 3 से 4 कटा हुआ टमाटर लिया है मैंने। ये मैंने लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। मैंने तीनों को साथ में पेस्ट बना लिया है। स्वाद अनुसार नमक लिया है। ये मैंने लहसुन की कलियां लिया है तड़के के लिए और बारीक कटा हुआ प्याज, हल्दी, जीरा, तड़के के लिए मेथी, ये सब मसाले हो गए। तो चलिए अब हम कद्दू को चेक कर लेते हैं वो पका है कि नहीं। कुकर का ढक्कन खोलेंगे और चेक करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है, बस एक ही सीटी लग के। अब एक कांटे वाला चम्मच लेंगे, उसी से हम चेक करेंगे। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। कद्दू और आलू को हम एकदम बारीक मैश कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैश करने के बाद। ये देखिए मैंने आलू और कद्दू को अच्छे से मैश कर लिया है, ये मिल गए हैं दोनों। तो चलिए अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई में तेल डाल देंगे और तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तड़का लगा देंगे मेथी का। मेथी हमारी तड़कने लगी, अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा को भी अच्छे से तड़कने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियां ढेर सारी। लहसुन की कलियां से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो लहसुन की कलियां जरूर डालें। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच से चलाएंगे, हल्का लाल होने तक भूनेंगे इन सब चीजों को साथ में। आज जो मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अगर आपको भी कद्दू की सब्जी बनाना है तो इस तरह से जरूर बनाएं। प्याज और सभी चीजें अच्छे से लाल हो गई हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे कलर से लाल हो गई हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 से 4 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इन सब चीजों को मिलाएंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से मिला के भूनेंगे जब तक ये गल ना जाए। अब हम इसमें डाल देंगे ये अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ये सब चीजों को हम मिला लेंगे और मैंने नमक डाल दिया है, टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा। तब तक हम इसे अच्छे से भूनते हैं जब तक टमाटर गल ना जाए। टमाटर अच्छे से गल के पक गया है ये देखिए, और मसाला भी अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कस्तूरी मेथी रखी थी, वही कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अगर आपके पास है तो कस्तूरी मेथी जरूर डालें, कस्तूरी मेथी से कद्दू की सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा मसाला पक्के तैयार हो गया है। अब जो हमने कद्दू की सब्जी को मैश करके रखा है वही सब्जी को हम इसमें डाल देंगे, सभी सब्जियों को डाल देंगे। अब इसे हम मिला के चलाएंगे। कद्दू की सब्जी और मसाले सभी चीजें मिल जाएं अच्छे से, ऐसे ही हम इसे चला लेंगे। गैस को एकदम स्लो ही रखेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे। और अच्छे से चला लेंगे। और ये देखिए आज हमारी कद्दू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है।
इसे चलाते हुए हम कद्दू की सब्जी को 5 से 6 मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए पक कर बन गई है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनी है। कद्दू की सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। अभी हम इसमें कड़ी पत्ता का तड़का लगाएंगे, तो चलिए हम तड़का लगा लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन को हम गैस पे चढ़ा देंगे, उसमें डाल देंगे तेल। और कड़ी पत्ते को मैंने ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कट करके इसका लगा देंगे हम तड़का। गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे जो है आज तड़के का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब इसे हम ऐसे घुमा लेंगे और ये देखिए कद्दू की सब्जी में हम इसका तड़का लगा देंगे, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये हमारी कद्दू वाली सब्जी, कद्दू और तड़के वाली सब्जी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।